Hey guys, welcome back to my another vlog and I hope you guys are doing really 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 well. So guys, I'm back from Delhi और लखनऊ वापस आ चुकी हूँ मैं. आई थिंक परसों आ गई थी. तो भाई वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है. आई थिंक बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन और आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस वहाँ पर मुझे ठंड नहीं फील हो रही थी, बट यहाँ आते ही फिर से ठंड फील होने लगी है. सो एनीवेज, अभी मॉर्निंग टाइम है, मैं वॉक कर चुकी हूँ, अपनी मॉर्निंग टी पी चुकी हूँ एंड अभी मैं जा रही हूँ कुछ अपने टेस्ट कराने के लिए. सो मंथली टेस्ट है, मैं कराती रहती हूँ जस्ट टू कीप अ चेक ऑन माई हेल्थ. तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ, तो चलो आप लोग भी साथ चलो और बने रहो इस व्लॉग में और वॉच दिस कम्प्लीट व्लॉग. आउटलेट्स हैं जिधर मैं रहती हूँ. अभी आपने जॉकी का देखा होगा, सारे बैंक्स अवेलेबल हैं, उनके एटीएम्स वगैरह ये आप देख सकते हो. ये स्पेंसर्स है यहाँ पर, इसके बगल में वी मार्ट है, विशाल मेगा मार्ट है. तो इस एरिया में आई थिंक सभी अवेलेबल हैं, जितनी भी नीड की चीज़ें हैं. काफ़ी सारे फूड जॉइंट्स भी हैं, तो काफ़ी अच्छा एरिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पर, सब कुछ ईजिली अवेलेबल हो जाता है. तो चलो, आ गया है डॉक्टर लाल, मैं सारे टेस्ट में डॉक्टर लाल से कराती हूँ. तो आई सी यू गाइस. सो गाइस, टेस्ट हो गया है डन और ब्लड टेस्ट था बेसिकली, इसकी रिपोर्ट अराउंड 2 डेज बाद आएगी. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे आजकल टेस्ट कराने में बिल्कुल डर नहीं लगता, इंजेक्शन से बिल्कुल डर नहीं लगता. पहले मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था इंजेक्शन लगवाने में, बट अब यूज़ टू हो गई हूँ. तो उसके रिजल्ट से मुझे ज़्यादा डर लगता है, इंजेक्शन लगवाने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता, टेस्ट कराने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है. जब उसका रिजल्ट आने का टाइम आता है ना, तो हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है मेरी. चलो कोई नहीं, एनीवेज अभी चलते हैं घर, बट थोड़ा घूमते हुए चलेंगे. मैं दिखाती हूँ आपका अपना एरिया जहाँ पर मैं रहती हूँ, तो आप लोग भी देखो और इन्जॉय करो मेरे साथ. सो गाइज, ये आप बैक में देख सकते हो जो बिल्डिंग दिख रही है, वो मेरा स्कूल है और जस्ट मेरे घर के पास में था. और ये उसका ग्राउंड है, यहाँ पर भी हम लोगों ने खूब स्पोर्ट्स खेला है. और ये ऑडिटोरियम है बेसिकली, इसका जो फ्रंट पार्ट है वो उधर है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं. तो कितनी सारी मेमोरीज एकदम से याद आ जाती हैं इसको देखने के बाद. बहुत टाइम स्पेंड किया है यहाँ पर, बहुत फ्रेंड्स बनाए हैं. रियली बैक टू द मेमोरी लेन. चलो अब आगे बढ़ते हैं. और ये है साईं बाबा का मंदिर, यहाँ भी मैं बहुत फ्रीक्वेंटली आती हूँ, मतलब बहुत आई हूँ मैं यहाँ पर एवरी थर्सडे. और ये है खजाना चौराहा. तो यहाँ पर काफ़ी पुरानी एक मार्केट है खजाना करके, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो अभी आपको दिखा भी दूंगी. ये है खजाना मार्केट, इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप का है ये, अंदर काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है. तो यहाँ पर बहुत सारे अंदर शॉप्स वगैरह हैं, पहले मैं आती थी यहाँ पर बट अब आना बंद कर दिया. यहाँ पर ऐसा कुछ खास अब रहा नहीं और काफ़ी बड़ी है, पीछे तक है, पुरानी बिल्डिंग है बनी हुई, तो उसी को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है कॉम्प्लेक्स में. और ये भी एक मंदिर है जहाँ पर मैं आती रहती हूँ, बहुत सुंदर है अंदर से. और ये वो पार्क है दुर्गा पूजा वाला, जिसमें दुर्गा पूजा हम लोगों ने खूब इन्जॉय करी है. अब इसमें दुर्गा पूजा नहीं लगती बेसिकली, बट पहले बहुत दुर्गा पूजा हम लोग ने यहाँ पर इन्जॉय करी है.
और ये चांसलर क्लब है, काफ़ी पुराना क्लब है यहाँ का, तो यहाँ पर मेरी इंगेजमेंट हुई थी। सब आसपास है, काफ़ी कुछ है। सो गाइस, मैं ड्राइव भी कर रही हूँ, इसलिए अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब आए तो प्लीज़ इग्नोर करना। ड्राइव करते करते मेरा ज़्यादा फोकस ना सब ड्राइव पर ही रहता है, बट जो पॉसिबल हो पा रहा है मैं वो कवर कर रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को बेसिकली दिखा सकूँ कि क्या क्या है। तो मेरा स्कूल है जहाँ पर मेरी इंगेजमेंट हुई थी, वो क्लब वगैरह सब पास में ही है। काफ़ी सारी मेमोरीज हैं इस एरिया से। एक्चुअली हम लोगों को काफ़ी टाइम भी हो गया है यहाँ पर, अराउंड 25-26 ईयर्स हमें यहाँ हो चुके हैं यहाँ रहते रहते, तो सब कुछ ही देखा हुआ है, सब कुछ ही पता है कि कहाँ क्या है। तो बहुत डेवलप हो गया, जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो आसपास कुछ भी नहीं था, हम लोग के सामने ही सब डेवलप हुआ है। इतने सारे अच्छे फूड जॉइंट्स हैं, स्वीट शॉप्स हैं कि पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था, बट अब तो इतना कुछ है कि ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं हर चीज़ के यहाँ पर। तो बेसिकली आई लव माई एरिया, इतना अच्छा लगता है यहाँ पर, कुछ चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। सारे फूड जॉइंट्स लाइक पिज़्ज़ा हट है और डोमिनोज है, ऑल दो मैं नहीं खाती है सब, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सब कुछ मिलता है। और काफ़ी अच्छे अच्छे पास में होटल भी हैं यहाँ पर, एक तो जस्ट घर के पास ही है पिनाकल करके है, एक पिकैडली है, अच्छे होटल हैं अगर स्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो। और भी काफ़ी अच्छे चाप के आउटलेट्स हैं, चाइनीज़, मतलब एवरी थिंग यू विल फाइंड इन दिस एरिया। सो गाइज, आपको ये जो मंशा टी करके ये सामने दिख रहा है, आई डोंट नो दिख रहा होगा कि नहीं, बट आई थिंक दिख रहा है, मैंने जूम कर दिया कैमरे को। तो इसी एरिया में अराउंड 1 किलोमीटर के अंदर इसके 3 आउटलेट्स हैं गाइज, एंड ट्रस्ट मी, इसकी ये सिर्फ चाय बनाता है और बन मक्खन, और इसकी सेल इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहले इसका एक आउटलेट था, बट इसको ग्रो कर करके इसके अब 3 आउटलेट्स हैं, और तीनों पे आई थिंक इक्वल ही सेल होती है। काफ़ी फेमस है ये इस एरिया में, को हमारे इस एरिया में आओगे तो आपको हमेशा मतलब पता लग जाएगा कि मंशा टी कहाँ पर है, काफ़ी फेमस है ये इस एरिया की। सो कभी भी आप इधर आओ तो डू ट्राई। सो गाइज, अब मैं आ गई हूँ घर वापस, मैंने सोचा कि आपको अपने एरिया का थोड़ा सा छोटा सा टूर दे देती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, आजकल कम निकलना होता है बाहर, पर जब जब होगा मैं कोशिश करूँगी, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोग को दिखाती रहूँ कि और लखनऊ में क्या क्या अच्छा है, क्या क्या फेमस है। सो गाइज, अब मैं जाऊँगी बाथ लेने के लिए और उसके बाद करूँगी ब्रेकफास्ट, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और उसके बाद आज हम बनाने वाले हैं कुछ अलग सी पनीर की एक रेसिपी, तो दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। और गाइज, जल्दी से आपको एक क्विक लुक दे देती हूँ अपने प्लांट्स का। तो ये है मेरे बॉटल वाले प्लांट्स जो उन्होंने लॉकडाउन में लगाए थे, स्पेयर बॉटल्स थी उनको यूज़ करके, तो अब ये प्लांट्स काफ़ी ग्रो कर चुके हैं। ये बीच वाला भी मनी प्लांट हमने फ़िलहाल में ही लगाया है, बट ये वाला लॉकडाउन में लगाया था, ये देखो कितना लंबा होता जा रहा है, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी देम ग्रोइंग। सो गाइज, वेलकम बैक, एंड मैंने बात ले लिया है, ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, उसके बाद मैं आ गई हूँ अभी टेरेस पे, क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया था, तो विंटर्स में मोस्टली हेयर वॉश जब करती हूँ तो टेरेस पे आ जाती हूँ, जिससे कि बाल जल्दी सूख जाएँ, अदरवाइज़ काफ़ी टाइम लगता है और मुझे ठंड भी कुछ ज़्यादा लगती है, तो प्रिकॉशनरी बेसिस पे मैं इसलिए ऊपर आ जाती हूँ, और मुझे धूप काफ़ी पसंद भी है, वैसे भी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, बट समर्स में हम लोग अवॉइड करते हैं, बट एटलीस्ट विंटर्स में तो एटलीस्ट टेरेस पे आके हम थोड़ा विटामिन डी तो ले ही सकते हैं, तो वो भी रीज़न रहता है, तो आ जाती हूँ मैं यहाँ पर, रोज़ ही आती हूँ मोस्टली। सो गाइज, अभी मैं बैठी हुई हूँ, अभी मैंने अपनी चाय एंजॉय करी है। आई नो मेरी दिन की ये सेकेंड चाय है, आजकल 3 चाय हो जाती हैं, आई नो इट्स रॉन्ग, बट ठीक है, वेदर ऐसा है, अच्छी लगती है गर्म गर्म चाय, तो वो मैंने इंजॉय कर ली। और अभी हम सब बैठ के गपशप कर रहे हैं, मम्मी हैं, भाभी हैं, हम तीनों बैठ के यहाँ पर बातें कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी। और अभी आपको वेदर दिखाती हूँ, इतना ज़्यादा खुला हुआ नहीं है, थोड़ा फॉगी सा ही है, धूप ज़्यादा तेज़ नहीं है आजकल यहाँ पर, आई डोंट नो लखनऊ में ही थोड़ा सा ऐसा फॉगी सा लगता है, पॉल्यूशन है क्या है आई डोंट नो, तो अच्छी वाली धूप नहीं निकलती, तेज़ वाली ऐसा रहता है, जैसे हल्का हल्का फॉग हो रहा है। अराउंड
9 o'clock तक तो ऐसा ही रहता है फॉगी सा, उसके बाद थोड़ी थोड़ी धूप निकलनी स्टार्ट होती है, वो भी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, थोड़ी थोड़ी रहती है हल्की हल्की सी, बट ठीक है, बैठने में सही लग रहा है, सही फील हो रहा है। सो गाइज, अभी मैं थोड़ी देर में चलती हूँ किचन में, वहाँ बनाऊँगी अपनी स्पेशल पनीर रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था। तो इस व्लॉग को बीच में मत छोड़ना एंड वॉच दिस कम्प्लीट व्लॉग, बिकॉज सम रियली टेस्टी यमी रेसिपीज कमिंग ऑन योर वे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर रेसिपी। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ पनीर, तो इसको हम बोलते हैं कसूरी मेथी पनीर, क्योंकि इसमें मैं कसूरी मेथी का यूज़ करती हूँ। तो इस इधर मैंने 2 अनियन ग्राइंड करके रख लिए हैं, 2 टोमेटो ग्राइंड करके रख लिए हैं, और ये है हमारा होममेड पनीर, घर पे बनाया है हम लोगों ने मॉर्निंग में। तो हमें कुछ इस टाइप का ही पनीर चाहिए होगा, पीसेज में नहीं चाहिए, तो इस टाइप का है। और अगर आपको पीसेज में बनाना है तो आप इसको मॉर्निंग से बना के रख लें, और इसको कम से कम 4-5 घंटे कुछ हैवी चीज़ से दबा के रख दें, तो इसके अच्छे पीसेस कट जाएंगे। बट मेरे को ऐसे ही चाहिए था, तो फिर मैंने इसको ज़्यादा देर उठाकर नहीं रखा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में हम लोग सब्ज़ी बनाना पसंद करते हैं, और इसमें मैंने अपनी जो ग्राइंड करी हुई अनियन थी वो डाल दी हैं, और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। तो इधर मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया, जिससे हमारी प्याज थोड़े से ज़्यादा जल्दी पक जाए, और जब ये थोड़ी थोड़ा ब्राउन क्रस्ट आने लगेगा प्याज पर, ब्राउन कलर आने लगेगा, तो इसमें हम अपना जो प्योरे है, टोमेटो प्योरे है, वो ऐड कर देंगे। तो ये हमने टोमेटो प्योरी ऐड कर दी है इसमें, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर अच्छे से भुनने देंगे, जिससे कि जब थोड़ा सा ऑयल साइड में छोड़ने लगेगा, इसका मतलब कि हमारा जो मसाला है, वो ग्रेवी है, वो रेडी हो चुकी है। तो पहले हम इन दोनों को अच्छे से भुनने देंगे। ओके, तो अब हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, और इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर। सो गाइज, हमें इस रेसिपी में ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करने हैं, सिर्फ एक रेड चिली पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करना है, बाकी कोई भी मसाला हमें इस वाली रेसिपी में यूज़ नहीं करना है। तो ये मैंने ऐड कर दी है कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है, ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो ज़्यादा डालें, और अगर कम स्पाइसी पसंद है तो कम डालें। तो बस इसमें हमें मसालों में सॉल्ट ऐड करना है, रेड चिली पाउडर ऐड करना है, और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करनी है, जस्ट टू एनहेंस द कलर ऑफ दी ग्रेवी। ओके, तो अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है मिल्क। तो मिल्क की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर एट होम, कितने लोग इस रेसिपी को खाने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आप मिल्क ऐड करें, क्योंकि इसकी जितनी भी ग्रेवी बनेगी वो मिल्क की बननी है, इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है। तो आप अकॉर्डिंगली देख लें कि घर में कितने मेम्बर्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें मिल्क ऐड करें, और उतनी की ही ग्रेवी बनाएँ। तो इधर मैंने ऐड कर लिया है अराउंड 1.5 कप ऑफ मिल्क, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बनानी थी, तो मैंने उतना ही ऐड कर लिया है, और अब इसमें मैं अच्छे से बॉईल दे दूँगी। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि हमारी ग्रेवी में अच्छे से बॉईल आ चुका है, और उसको हमने बीच बीच में चला भी दिया था। तो गाइस, इस पॉइंट पे जब आपकी ग्रेवी में बॉईल आने लगे अच्छे से, तो आपको थोड़े से ठंडे दूध में कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। मैं वो वाली क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस पॉइंट पर आप लोगों को थोड़े से ठंडे मिल्क में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, और कॉर्नफ्लोर उतना ऐड करना है जिससे कि आपकी ग्रेवी थिक हो जाए, और आपको उस अपनी ग्रेवी में उसको ऐड कर लेना है। देख लेना, अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रेवी थिक नहीं हो रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हो, तो वो आप अंदाजे से इसमें डाल लेना, तभी आपकी ग्रेवी थिक होगी और तभी इसका असली टेस्ट आएगा। तो ये देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, इसको थोड़ा सा हम और चला लेंगे, अच्छे से बॉयल हो चुकी है, कॉर्नफ्लोर भी हमने डाल लिया था इसमें, तो इसको हम थोड़ी देर और चला लेंगे। और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है अपना पनीर,
और पनीर डालने के बाद भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर बॉईल होने के लिए रख देंगे, जिससे कि हमारे जितनी भी ग्रेवी है, जितने भी मसाले हैं, वो अच्छे से पनीर में मिक्स हो जाएं। तो अब हमारे सारे मसाले अच्छे से पनीर में ऐड हो चुके हैं, ग्रेवी में भी हमने अच्छे से बॉईल दे दिया है। तो इस पॉइंट पे अब हम ऐड करेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट, वो है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को हम थोड़ा सा हाथ से क्रश करके अपनी ग्रेवी में ऐड कर देंगे। कुछ इस टाइप से आपको क्रश करके कसूरी मेथी को अपनी ग्रेवी में ऐड करके और फिर मिक्स कर देना है। इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है, पनीर देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है और जो कसूरी मेथी का एक अलग सा अरोमा है वो भी हमारी रेसिपी में ऐड हो जाता है। और ये जो रेसिपी है बहुत सिंपल है और ट्रस्ट मी गाइस बहुत टेस्टी भी लगती है खाने में, तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना घर पर। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसमें बाद में अपनी फ्रेश क्रीम भी ऐड कर दी थी। मेरे घर में फ्रेश क्रीम अवेलेबल थी, बाहर की नहीं घर की थी, जो मिल्क की रहती है वो क्रीम मैंने इसमें ऐड कर दी थी फ्रेश। तो आप ऐसे इसको ऐड कर सकते हो, वैसे स्किप भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा मलाई पसंद नहीं है तो। सो गाइज देख सकते हो हमारी लाजवाब सी टेस्टी सी यम्मी सी पनीर की रेसिपी रेडी है। सो गाइज आई एम डन विद लंच एंड ट्रस्ट मी पनीर की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, यम्मी बनी थी। इनकेस आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी हो तो डू ट्राई एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एज ऑलवेज आई विल बी हैप्पी टू नो दैट। सो गाइज आई एम फीलिंग बिट लो सिंस मॉर्निंग, आई डोंट नो वाई। सो आई एम थिंकिंग टू एंड दिस व्लॉग राइट हेयर, सो आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई चैनल गाइज। And yes, अगर आपको मेरे vlogs थोड़े भी अच्छे लग रहे हैं then please 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 subscribe my channel and if you have already subscribed then thank you so much and don't forget to hit the bell icon जिससे कि आपको notification मिल जाए जब जब मैं कोई नया video post करूँ। And guys अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं daily vlog नहीं डाल पा रही हूँ, जैसे मैंने कल vlog नहीं डाला था, तो things are going on but I'm trying my best कि मैं regular रहूँ अपने videos के को पोस्ट करने में। बट अगर रेगुलर वीडियो नहीं आ रही हैं तो थोड़ा एडजस्ट कर लो थोड़े टाइम के लिए, एंड आई अश्योर यू कि ज़रूर मैं रेगुलर हो जाऊंगी उसमें दोबारा से। सो या ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।